अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है, और मैंने स्पेशल अपना पूरा गार्डन सेट किया है, खुद सेट किया है। पॉट्स पर कलर मैंने खुद किए हैं, पेंट्स खुद किया है, और डेकोरेशन, गाड़ी गुजर जाए, डेकोरेशन खुद की है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ये सब कुछ करने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगे हैं। रेगुलर अब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा जी अभी ही वीडियो बना ली जाए, और चलें जी चलते हैं। मैं आप लोग पहले जाएं क्लिप्स देख के आएँ, जिसमें मैंने मतलब के पहले बनाते हुए कि थोड़े थोड़े से क्लिप्स लिए हैं, जितने बन सकते थे ले लिए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि बंदा या तो काम कर सकता है या फिर वीडियो बना सकता है, और वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, और मेरे ये पिंपल भी निकल आया है। तो चलें जी, आप पहले वो क्लिप्स देख के आएँ, फिर मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैंने पौधे भी कमरे में रख लिए हैं, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, मैंने सोचा जी रूम में ही बैठ के कलर करते हैं। ये मैं कुछ कलर्स भी ले आई हूँ सबसे पहले, और इसमें हैं जी स्टोन पत्थर जो कि मैंने कराची से मंगवाए हैं। अब इसको जो है हम लोग अभी करते हैं कलर, फिर उसके बाद देखने की क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हम वाइट वॉश करेंगे ये वाला, उसके बाद जो है हम दूसरे कलर्स करेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं कलर। इसमें करते हैं इसको डिप, यार इसको मिलाना होता है शायद, मुझे तो ये भी नहीं पता। पतला करना होता है इसमें, वो डालना होता है क्या इसमें, कुछ जलता होता है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे हाथ देखो, हाथ भी गंदे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा कलर करना देखो। चादर तो सारी खराब है, ऐसे थोड़ी करते होते हैं, ऐसे करते होते हैं, ये ऐसे। मैं कौन सा पक्के कलर वाली हूँ, कोई मैं बचपन से कलर थोड़ी करती आई हूँ यार। कुछ जो है इस कलर के पत्थर हैं, कुछ ऐसे हैं डेकोरेशन के लिए, ये भी मैंने कराची से मंगवाए हैं। ये देखो, इसमें मैंने ऐसे कलर करने लगे। ये देखिए, मैंने व्हाइट कलर कर दिया इनके ऊपर ना, भी सिर्फ व्हाइट पेंट किया है इसके ऊपर, बाकी के कलर अभी रहते हैं। बहुत सारे पौधे हैं ये देखें, सब पे बहुत अच्छे अच्छे से माशाल्लाह कलर करेंगे, फिर इसको अच्छा सा तैयार करेंगे। नीचे मैंने कपड़ा इसलिए बिछा लिया था कि अगर गिरे तो जो फ्लोर है वो गंदा ना हो, गंदा होना है तो यही गंदा हो। इंशाल्लाह धूप निकलेगी तो यार दिन में जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये देखो इस पर जाले लगे होते हैं, ये लाजमी साफ करने चाहिए। ये देखिए, हम दीवार साफ़ सुथरी हो गई है। ये मैं हूँ झाड़ू वाली, ये मैं हूँ जी झाड़ू वाली बाजी, झाड़ू देते हैं, सारे काम जो है फिनिश करते हैं आज ही।
ये देखें कैसे मैंने कलर बिखेरे हुए हैं, मेरे हाथ देखें मजदूरों वाले हैं। और ये मैं कर रही हूँ जी कलर, आप खिलारा चेक करो, कलर करने में बड़ी ही मेहनत भी है और बड़ी ही गलाजत भी है। चलो जी हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला, भरपूर कोशिशों में लगी हुई हूँ। हाँ जी तो ये है वो जियाज गार्डन, ये देखें और ये देखें, और ये मेरी छोटी छोटी सी जो हैं वो डक हैं, ये मशरूम हैं, और ये कुछ जो है वॉल मैंने ऐसे डेकोरेट किया है, आप देख लें, ये देखें जी। और यहाँ से ये देखें, फिर यहाँ से आप लोग जी ये देखें, सामने आपको मैं भी नज़र आ रही होंगी, सामने आपको मैं भी नज़र आ रही हूँ, ये है मेरा तोता। और ये देखें जी ये है तरबूज, किसी ने खाना है। और कुछ जो है यार ये सड़ गए हैं, मतलब जल गए हैं, इनको भी ठीक करवाते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी आप लोग ये मेरा गार्डन जो है वो देख सकते हैं, ये देखें, ये कुछ मैंने इस पर फेरी लाइट्स लगाई हैं, ये देखें कैसा लग रहा है। और ये डक हैं, ये जो मैंने कराची से मंगवाई हैं, स्टोन भी मैंने कराची से मंगवाए हैं, बाकी ये सारा पेंट्स पोर्ट्स पर पेंट्स ये सब कुछ मैंने खुद किया है, ठीक है, ये सब जो है मैंने खुद किया है। और आप लोग ज़रूर बताएं कि मेरा गार्डन आपको कैसा लग रहा है, अल्लाह ताला इसको हरा भरा रखे। आमीन सुमा आमीन। और ये देखें जी ये कुछ जो है वो लाइट बंद करने के बाद जस्ट फेरी लाइट्स में जो ये लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं, देखो प्यारा लग रहा है। हाँ जी तो अब आपने मेरा गार्डन देख लिया होगा, बैक भी नज़र आ रहा है, ये देखें आपने देख लिया होगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा गार्डन कैसा लगा। बहुत मेहनत हुई है, कम से कम 5 से 7 घंटे लग चुके हैं इस पर। एक दिन पहले मैंने इस पर वाइट पेंट कर दिया था, उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब आज ही मैंने इस पर कलर किया, पेंट्स जो बनाना था शक्लें मकलें वो बनाई, फिर साफ़ किया, फिर इस जगह पे सारा डेकोरेट किया, फिर इसको सजाया लगाया, फिर आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई। या दुपट्टा नहीं दिख रहा, और आज आप लोग ये देखो मैंने जो ड्रेस वेयर किया हुआ वो भी बिल्कुल मैंने पौधों के कलर का और कलरफुल सा पहना हुआ है, ऐसे लग रहा है तोते के कलर का पहना हुआ मैंने कपड़े, कि मैं भी एक तोती लग रही हूँ कि नहीं लग रही, बताएं आप लोग, आप लोगों को मैं एक तोती लग रही हूँ या नहीं लग रही। और जो है बस यही था, किसी को कोई आइडियाज़ चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वो देखें पीछे कुछ इसमें से नकली हैं, जो बड़े बड़े वाले हैं वो नकली हैं, वॉल वाले नकली हैं, बाकी ये जो छोटे छोटे हैं ये सारे जो असली प्लांट्स हैं ये सारे जो है ना जल गए, मे भी ये धूप के ना हो, क्योंकि अब आप ये ऊपर देखें ये जो है ना छत खुला हुआ है, तो शायद धूप की वजह से वो जो जल गए हैं। अब मैं किसी दिन किसी मतलब माली को बुला के सारे ठीक करवाती हूँ, इनमें अच्छे अच्छे दोबारा से प्लांट्स लगाती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल यही था, तो फिर मैंने कहा चलें जी यही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सामान तो आप लोगों को पता है मैं कब से जमा कर रही थी, कभी कुछ ला रही हूँ कभी कुछ ला रही हूँ, कम्प्लीट ही नहीं हो रहा था। असल चीज़ थी कलर करना, मतलब आप ये देखेंगे कलर ही नहीं हो सक रहा था, कलर होता तो आगे काम बढ़ता, वो एक ही दिन में मैंने आज इंशाल्लाह ताला सोचा हुआ था कि करूँगी करूँगी और वो हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। वॉल देखें प्यारी लग रही है माशाल्लाह, मेहनत भी बहुत हुई है।
तो ये जो नीचे बिछी हुई है आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो है वो नकली ग्रास है, मतलब कि असली नहीं है, नकली। आपको पता ही आजकल मिल रही है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, ग्रीन ग्रीन। आप कोई एंटर होगा तो कम से कम पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे ही पड़ा होता था, कभी सीढ़ी पड़ी है, कभी छटपाई पड़ी है। सोचा हुआ था कि मैंने इसको गार्डन बनाना है, सेट करना है, रोज सोचती थी, रोज रह जाता था, फिर कुछ तबीयत ठीक नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैंने सोचा जी लाजमी लाजमी इस पर बनाते हैं, फिर मैंने वीडियो बना ली है। कल मेरे घर जो है सबकी अफ्तार है, मतलब मैंने सबको अफ्तार पार्टी दी हुई है, और मेरी नंद की जो है वो हैप्पी बर्थडे है, मतलब बर्थडे भी है, तो मतलब कि फिर सारा की बर्थडे है, उसके लिए हैप्पी बर्थडे सारा इन एडवांस। और कल उसकी बर्थडे है, और जो है फिर हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कोई आ गया है जी, सैरी का टाइम है मुझे लगता है, गार्डन कल आए हैं बर्तन देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा तो लाइक करना है आप लोगों ने, कमेंट्स करने अच्छे अच्छे, और ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। चलो यही बता देना है कमेंट्स में, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करना है मेरे जो व्लॉग्स देखा करें, ज़रूर शेयर कर दिया करें, 10 लोगों को कर दिया करो, ज़्यादा को नहीं किया करो भले। और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स में, और बस मुझे अपनी बहुत 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 सारी दुआओं में याद रखना है, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, सबको। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूंगी, अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या करें, अच्छे अच्छे आइडियाज़ दें, और मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। इंशाल्लाह ताला व्लॉग मैं बनाती रहूँगी जब तक बन सकते हैं, कभी कभी दिल करता छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं सोचने के नहीं नहीं छोड़ती नहीं हूँ, बनाती रहती हूँ। और बस आप लोगों ने मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना है, प्यार देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।